कैप्टन पंतरी जिहड़े बीबी बलजीत कौर जी ने इन्हां दे बिल्कुल दरवाजे दे अगे असीं धरना लाया ठंड दीआं रातां विच। इतिहास विच पंजाब दे इतिहास विच पहली वार होया कि किसी सरकार ने नौकरियां देण दी बजाय नौकरियां खोण दा काम कीता। भगवंत मान साहब ने कहा सीगा कि हरिया पैन नौकरियां देण वास्ते वरत्या जाएगा, पर साडे वास्ते इन्हां नौकरियां खोण वास्ते वरत्या गया। इस सरकार के हरे पेन ने साडिया मूँह बुरकियां खोईयां। कहिंदे साडे मंत्री गुजरात गए ने, सीएम साहब गुजरात गए ने, सानू समझ नहीं आती कि पंजाब उन्हां को सांभिया नहीं जा रहा। पंजाब के लोगों नाल लगातार धोखे किए जा रहे हैं, पंजाब के लोग सड़कों पर रोल रहे हैं, पंजाब के लोगों ने उन्होंने सीएम पंजाब का बनाया सी, गुजरात का नहीं सी बनाया। फिर मैं भगवंत मान साहब को पूछना चाहना कि भगवंत मान साहब, सीएम साहब, गुजरात वाले मुख्यमंत्री जी, पंजाब जाओ तो सानू दसो कितने धरने लाइए, अं उ ला लें, साड़ी गल सुनो, साड़ी आवाज़ सुनो। बेरोजगार विमुक्त जातियां संघ का धरना अज 29वें दिन फरीदकोट तो बदल के मलोट विच आ गया। कैबिनेट मंत्री डॉक्टर बलजीत कौर दी फरीदकोट स्थित रिहायश से 29 दिन तो धरना दे रहे बेरोजगार विमुक्त कबीले के लोगों वालों अज मलोट विच रोस प्रदर्शन किया गया। तो कैबिनेट मंत्री डॉक्टर बलजीत कौर ते पंजाब सरकार दे खिलाफ जम के नारेबाजी की गई है, जिस तो बाद प्रदर्शनकारियों ने मलोट दिल्ली नैशनल हाईवे नू पूरी तरह जाम करके धरना ला दिता। तो अपनियां मंगां दी पूर्ति होण तक ये धरना रेगुलर चलण का ऐलान कर दिता। एक महीना हो चलिया लगातार कैप्टन पंतरी जिहड़े बीबी बलजीत कौर जी ने इन्हां दे बिल्कुल दरवाजे दे अगे असीं धरना लाया ठंड दीआं रातां विच। साडियां जिहड़ियां भैणां ने अपने बच्चियां समेत नौजवान वीर साथी जिहड़े ने उत्थे दिन रात धरने ते बैठे ने, ते मंगां जिहड़ियां असीं दो वार मीटिंग विच मिल के मैडम नूं चंगी तरह जाणू करवा चुके हां। इतिहास विच पंजाब दे इतिहास विच पहली वार होया कि किसी सरकार ने नौकरियां देण दी बजाय नौकरियां खोण दा काम कीता। भगवंत मान साहब ने कहा सीगा कि हरिया पैन नौकरियां देण वास्ते वरत्या जाएगा, पर साडे वास्ते इन्हां नौकरियां खोण वास्ते वरत्या गया। साडा कोटा सीगा जी विमुक्त कबीलियां दा, जिहड़े विचारे दिहाड़ीदार मजदूर जिहड़े ने उह दिहाड़ियां कर करके मजदूरियां कर करके जिहड़े टप्परी वास ने उन्हां दा कोटा सीगा टोटल पोस्टां दा 2% ते मिलदा उन्हां पोस्टां विचों सीगा जिहड़ियां बच जांदियां सी। बचियां होईयां पोस्टां विचों सानूं इक लंगड़ा कोटा दित्ता गया सी, उह साडे योग उम्मीदवारां नूं दित्ता जांदा सी, जिहड़े साडे उम्मीदवार उहदे लई एलीजिबल हुंदे सन उहनां नूं दित्ता जांदा सी। पर इस सरकार दे हरे पेन ने साडियां मूँह विचों बुरकियां खोईयां। साडी काउंसलिंग हो चुकी सी, जिवें कि एजुकेशन डिपार्टमेंट जां होर वक्रे वक्रे डिपार्टमेंट, इन्हां विच साडी काउंसलिंग हो चुकी सी। एक दो दिन बाद दिन तक जिहड़े ऑर्डर सानूं मिलने सीगे जी, ते ऑर्डर मिलण तों दो चार दिन पहलां ही एक इस तरह का पत्र कढ दिता जांदा है 15/9/22 नूं कि साडे जिहड़े हक ने, साडियां नौकरियां, साडा रुजगार वो साडे कोलों खो लिया जांदा। उस दे संबंध विच उत्थे साडी किसे ने सुनी नहीं। मैडम बलजीत कौर जी ने जिहड़ी साडी लगातार सानू इगनोर करदे आ रहे ने, फिर सानू जिहड़ा अपने साथियां समेत मलोट आउणा पिया ते इत्थे आ के जिवें कि 40 लाख तों वध साडी आबादी आ जी पंजाब विच, ते इत्थे आ के जिहड़े साडे होर भी साथी सीगे उन्हां नूं वी असीं जागरूक कीता, उन्हां दा सानू साथ मिलिया, ते उह वी पछता रहे ने कि इस तरह के नुमाइंदियां नूं असीं चुणिया ते इन्हां नूं मंत्री बनाया। सानू मीटिंग दे रहा काफ़ी लंबा टाइम दस रहा जी, कहिंदे साडे मंत्री गुजरात गए ने, सीएम साहब गुजरात गए ने, सानू समझ नहीं आउंदी कि पंजाब उन्हां को सांभिया नहीं जा रहा। पंजाब के लोगों नाल लगातार धोखे किए जा रहे ने, पंजाब के लोग सड़कों पर रोल रहे हैं, पंजाब के लोगों ने उन्हां नूं सीएम पंजाब का बनाया सी, गुजरात का नहीं सी बनाया। तो मैं सरकार नूं दसना चाहुंदा कि यह जिहड़े धरने आ, ये जिहड़े मुजाहरे आ, जिस तरह हुण आपां इत्थे टेंट जिहड़ा मंगवा लिया अपना जी, जदों तक साडियां मंगां नहीं मन्नियां जांदियां असीं इदां ही। तुसीं सोहणा सवाल कीता जी, जिहड़ी वीडियो तुसीं भगवंत मान साहब दी सुनी है उह मैं वी सुनी है जी, ते उस वीडियो नूं सुण के मैनूं बहुत माण महसूस होया सीगा कि भगवंत मान साहब जो कह रहे ने उह असीं पहलां ही कर रहे हां। उह इह कि बीबी बलजीत कौर जी दे घर दे कोल असीं धरना लाया सी, ना कि कोई रोड जाम कीती सी, पर उस दे बावजूद जदों साडी गल ही नहीं सुनी गई,
ਜਦੋਂ ਇੰਨਾ ਵੇਸਲਾਪਨ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਗਨੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉੱਥੇ ਰਾਤ ਬਾਹਰ ਰਾਤਾਂ ਬਿਤਾਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਗੁਜਰਾਤ ਵਾਲੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆਓ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿੱਥੇ ਧਰਨੇ ਲਾਈਏ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੋ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੰਨੇ ਚਿਰ ਤੋਂ ਧਰਨਾ ਉੱਥੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੱਲ੍ਹ ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਜੀ 29 ਦਿਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਉਸ ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲਦਿਆਂ ਹੋ ਗਏ ਜੀ ਰੈਗੂਲਰ ਦਿਨ ਮੀਟਿੰਗ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ ਉਹ ਸਾਡੀ ਸਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਵੀ ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਫਿਰ ਰੈਗੂਲਰ ਹੀ ਧਰਨਾ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਇੱਥੇ ਵੀ ਰੈਗੂਲਰ ਹੀ ਹੈ।